बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए इस तरीके से दो क्विल्टेड पीस मैंने लिए हैं, ऊपर कपड़ा, बीच में फॉर्म शीट और नीचे लाइनिंग, और उस पर इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई हुई है। तो सबसे पहले आपको इसी तरीके से टू क्विल्टेड पीस चाहिए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, इसकी लंबाई है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 16 इंच। तो ये मैंने टू पीसेस लिए। अब सबसे पहले हम इसके यहाँ पे पॉकेट लगाते हैं फ्रंट की साइड पे। पॉकेट के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, पॉकेट की लंबाई मैंने ली है 9 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 8.5 इंच। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से इस तरीके से हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे। विड्थ इसके बराबर है, इसके बराबर इसकी विड्थ लेनी है और ये मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 2 इंच की मैंने पट्टी ली है। अब हमें करना क्या है, ये पट्टी रखी, इसके ऊपर ये रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई की, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है तो पाइपिंग सी हमारी बन जाएगी। इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई, मैंने इसे ऊपर से सिलाई लगा लिया। अब ये पीस लीजिए, इसे इसके ऊपर यहाँ सेंटर में बीच में रखना है आपको, यहाँ नीचे से इस तरीके से, यहाँ और यहाँ से बिल्कुल बराबर स्पेस रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई से इसे अटैच कर ली। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारी पॉकेट बन गई। जैसे पॉकेट इस पर लगाई है सेम उसी तरीके से एक ऐसी पॉकेट हम इस पर भी लगा लेंगे। तो इस पर भी बिल्कुल ऐसे ही एक पॉकेट लगाई थी वैसे ही इस पर भी लगा दी। अब हम पहले इसके लिए स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप बनाने के लिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है टू कलर्स में, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। वैसे तो आप स्ट्रैप अपने अकॉर्डिंगली लंबाई रख सकते हैं, यहाँ से फोल्ड है, अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप जोड़ भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने लिया है 4 इंच और फोल्ड में इसकी लंबाई है 25 इंच, फोल्ड में है ये 25 इंच। तो मैंने दो स्ट्रैप लिए हैं, तो पहले स्ट्रैप को सिलाई रख करके हम इसे रेडी कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, और सिलाई कर लीजिए और इसे सिलाई करके रेडी कर लीजिए इसे भी और इसे। देखिए दोनों मैंने स्ट्रैप को रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले हम स्ट्रैप ज्वाइन करते हैं। तो एक स्ट्रैप आपको यहाँ पे रखनी है इस तरीके से और उसका दूसरा एंड आपको रखना है यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे रखना है ये जो हमने पॉकेट लगाई है इसके ऊपर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक। ये भी स्ट्रैप लगा ली मैंने और ये भी स्ट्रैप लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों रेडी हो गए, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। अब हम बैक साइड पे इसके यहाँ पे एक पॉकेट और लगाएंगे। उसके लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी विड्थ इसके बराबर लेनी है, इसके बराबर इसकी विड्थ लेनी है और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। इसकी लंबाई मैंने ली है 9 इंच। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने ये पाइपिंग से फिनिश किया था वैसे ही इसे भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरफ से पाइपिंग से इस तरीके से पाइपिंग से फिनिश कर दिए जैसे हमने ये फिनिश किया था। अब ये लेना है, कोई भी एक ले लीजिए फ्रंट कोई भी इन दोनों में से, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा रेडी हो गया, बैक भी रेडी हो गई, फ्रंट भी रेडी हो गई। अब हम इसके यहाँ पे नीचे इसे बॉटम से शेप देंगे। तो दोनों पे देनी है, एक पे बता देती हूँ वैसे ही दूसरे पे भी देनी है। इसे यहाँ से फोल्ड करना है इस तरीके से और यहाँ से आपको नीचे हल्की सी राउंड में इसमें शेप देनी है इस तरीके से और इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से मैंने इसमें शेप दे दिया, ऐसे ही शेप इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से ड्रॉ करके। हमारा ये देखिए रेडी हो गया फ्रंट के बैक के लिए और ये फ्रंट के लिए। तो अब हम इसके साइड के लिए बनाते हैं। साइड के लिए देखिए इस तरीके से मैंने स्ट्रिप ली है और उसे क्विल्ट किया हुआ है सेम वैसे ही, नीचे लाइनिंग, ऊपर कपड़ा और बीच में फॉर्म शीट। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, इसकी विड्थ मैंने ली है 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है फोल्ड में, यहाँ से फोल्ड है, कपड़ा कम था तो मैंने जोड़ डाला है, आप भी डाल सकते हैं। ये मैंने लिया है 20.5 इंच, जो भी एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो ये लिया, अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर, कोई भी ले लीजिए फ्रंट या बैक। स्ट्रैप को इस तरीके से रखते हुए ये रखा, यहाँ से इसे रखना है इस तरीके से,
राउंड में घुमाते हुए, जो एक्स्ट्रा होगा हम यहाँ ऊपर से बाद में कटिंग कर लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए सीधी तरफ से इस पर सिलाई लगानी है, हम इसे बाद में पाइपिंग से फिनिश करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए, पूरा सिलाई लगाते हुए यहाँ तक, इस एंड तक, इस पर पूरे पे सिलाई लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा दी। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये दूसरा पीस लिया, इसे रखा, इसे इसके ऊपर यहाँ पे रखना है, यहाँ से शुरू करना है इस तरीके से, जैसे पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल वैसे ही हमें इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा, यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। मैंने सिलाई लगा ली तो ये भी सिलाई लग गई, ये भी लग गई, तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाइपिंग यहाँ लगानी है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाइपिंग यहाँ। मैंने इस तरीके से पाइपिंग की है, ये मैंने बायस में कट की, जैसे नेक वगैरह के लिए कटिंग करते हैं। ये मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 2 इंच की मैंने पाइपिंग ली है, तो हम इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग से फिनिश करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग रखिए, यहाँ पर पूरा लंबाई में गोलाई में सिलाई लगाते हुए, यहाँ से सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। कि मैंने यहाँ से लेके पूरा पाइपिंग को यहाँ तक सिलाई लगा लिया। बस अब आप इसे पाइपिंग को दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए इस तरीके से। ये देखिए तो हमारी इसमें पाइपिंग सी बन जाएगी। फोल्ड करते हुए पूरा यहाँ से लेके इसी तरीके से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए फोल्ड करते हुए। तो ये हमारा रफ एजेस पाइपिंग से फिनिश हो। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली, तो इस तरीके से मेरा पूरा पाइपिंग से फिनिश हो गया। जैसे पाइपिंग से इसे फिनिश किया है, सेम ऐसे ही ये वाली साइड भी ऐसे ही पाइपिंग से फिनिश, इसे पाइपिंग से फिनिश कर दिया। इस तरफ से भी पाइपिंग से पूरा फिनिश हो गया, यहाँ से भी फिनिश हो गया। अब हम इसे यहाँ ऊपर से फिनिश करते हैं। ऊपर से फिनिश करने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी ली है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 5 इंच और इसकी लंबाई है 14 इंच। अब आपको क्या करना है, इसे पहले सेंटर में से कट कर लीजिए, बीच में सेंटर में कट कर लीजिए। ये मैंने इसे सेंटर में से अलग कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके साइज की इस तरीके से लाइनिंग ली, सेम ये वाला साइज इसके साइज का है, लाइनिंग रखी, उसके ऊपर ये रखना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक तीन तरफ सिलाई लगानी है, एक तरफ से ओपन छोड़ना है। एक पीस इसके लिए लिया, यहाँ पे इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लाइनिंग वाला पीस अटैच हो गया। अब इसे सीधा कर लीजिए, तो ये तीन तरफ से मेरा फिनिश्ड है इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ से लेके एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए इस पर भी, और इस पर लगा ली बैठने वाली। तो इस तरीके से दो पट्टियाँ मेरी बन गई। अब हमें क्या करना है, बैग लीजिए इस तरीके से, एक पट्टी को आपको यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए, एक पट्टी इस तरफ और जो दूसरे वाली पट्टी है वो आपको इस तरफ ऐसे रखनी है, यहाँ दोनों तरफ से बराबर स्पेस देते हुए इस तरीके से बीच में सेंटर में रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। एक पीस मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया इस तरीके से और एक पीस यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसे अंदर की तरफ को ही रहने दीजिए इस तरीके से। अब इसे यहाँ से लेके पूरा चारों तरफ से, यहाँ से ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन पाइपिंग से फिनिश करना है। जैसे हमने पूरा राउंड में पाइपिंग लगाई थी वैसे यहाँ एक तरफ से शुरू करते हुए इसे पूरा राउंड में पाइपिंग से फिनिश कर दीजिए। इस तरीके से पाइपिंग लेनी है, यहाँ पर अंदर की तरफ रखनी है, यहाँ पर इस तरीके से पूरे राउंड में लगाते हुए, पूरे राउंड में लगाते हुए यहाँ तक लगा, पूरे राउंड में इसमें पट्टी लगा दी, एक तरफ से शुरू करते हुए यहाँ से शुरू करते हुए पूरे राउंड में इस पर पट्टी लगा दी। बस अब आप इस पट्टी को दूसरी तरफ को हमें इसे फोल्ड करना है, इस तरफ को फोल्ड करते हुए और पूरे पे राउंड पे सिलाई लगा लीजिए। जैसे हमने ये सिलाई लगाई थी यहाँ भी पूरे हम राउंड पे सिलाई से फिनिश कर दिया, ऊपर से चारों तरफ से पाइपिंग से फिनिश हो गया। अब हम इसमें ज़िप लगाएंगे, तो इस तरीके से मैंने ज़िप लिया। पहले हम ज़िप को साइडों से फिनिश करेंगे। सेवनटीन पॉइंट फाइव इंच की मैंने ज़िप ली है इस तरीके से। दो मैंने कपड़े के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, यह है 2 इंच
बाय 2 इंच। अब हम इसे पहले जिप को साइड से फिनिश करेंगे। तो एक कपड़ा नीचे रखा, इसे रखा, इसके ऊपर दूसरा कपड़ा रखा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। साइडों में सिलाई लगाएंगे तो जिप पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगानी। इसे सीधा कर लीजिए इस तरफ को, जिप फिनिश हो गई। इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है इस तरीके से, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। तो जिप हमारी इस तरीके से देखिए साइड से फिनिश हो गई। जैसे यहाँ से फिनिश की है ऐसे ही इस तरफ से भी फिनिश, दोनों तरफ से कपड़ा लगा के फिनिश कर लिया। अब आपको क्या करना है, मैंने जिप ओपन की इस तरीके से, इसके साथ इसे यहाँ पे रखना है, जिप को नीचे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, फिर दूसरी तरफ से मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो दूसरी वाली तरफ है इसे इस तरफ में सिलाई लगानी है, इसे ऐसे पकड़िए इसके ऊपर इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो ये जिप हमारी इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, इस तरफ भी सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से जिप के साथ, जिप एनक्लोजर के साथ मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए अंदर एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई है, उसके बाद एक छोटी पॉकेट हमारी यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़। मैंने इसमें सामान रख दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बैग दिखेगा, बैक साइड, फ्रंट साइड, वन पॉकेट, एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे है, एक छोटी पॉकेट फिर अंदर भी है कुछ सामान रखना यूज़ है। बिल्कुल रेडी हो गया, सामान डालने के बाद ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। देखिए प्रॉपर काफ़ी चौड़ा इसका बेस, पाइपिंग के साथ हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया।